कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत कितना तैयार है, ये देखने और परखने का भी समय है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश हो गया है, अमेरिका के बाद ब्राजील से भी आगे निकल गया है। भारत की जीडीपी -24 हो गई है, 3 रोज हो गए मगर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री ने इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्या अगर जीडीपी 10 हो गई होती प्लस में, तब भी ऐसी चुप्पी होती? क्या सरकार को सामने आकर नहीं बताना चाहिए कि भारत के नागरिक कौन सा दौर देखने जा रहे हैं, उन्हें किस तरह की आर्थिक तैयारी करनी चाहिए? ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। महामारी विकराल हो रही है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री अपना काम वर्चुअल मीटिंग से चला रहे हैं, लेकिन छात्रों से कहा जा रहा है कि वो परीक्षा दें, कॉलेज में दाखिले के लिए नीट जेईई दें, कॉलेज में है तो प्रमोट होने के लिए परीक्षा दें, और राज्य भी अपने यहाँ तमाम तरह के एंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं। भुगत कौन रहा है? बच्चे, विद्यार्थी, स्टूडेंट। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन मई 2018 में आया, याद करिए मई 2018 यानी कि नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे हुए थे तब पहला नोटिफिकेशन आया। एक दिलचस्प वीडियो आया है जो आपको दिखाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर के साथ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास की है, 7 लोक कल्याण मार्ग की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दफा नहीं कई मर्तबा मोर को दाने खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि जिन लाखों बच्चों ने 2018 में नोटिफिकेशन देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरा था, वो अब तक नई परीक्षाओं की तारीख और पुरानी परीक्षाओं के नतीजे के इंतजार में दिन गिन रहे हैं। एनटीपीसी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,26,00,000 के लगभग है। जून और सितंबर 2019 के बीच इसकी परीक्षा आयोजित होनी थी। 2020 का सितंबर आ गया, 1 साल से ज्यादा हो गया जो तय तारीख थी, समय था उसके मुकाबले, लेकिन एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उनका मर्डर हुआ, सीबीआई मुंबई में इस बड़े मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो आरोप अब लग रहे हैं उनमें सुशांत का परिवार भी सवालों के घेरे में आ गया है। सुशांत के परिवार और याचिका झूठ के सामने क्या सीबीआई की जांच उलझेगी, कैसे सुलझेगी गुत्थी? रहस्य के पर्दे एक के बाद एक खुल रहे हैं, लेकिन ये सारा तिलस्म तब खुलेगा जब खुलेगा राज 2 तारीख होगा। ध्यान से देखिए, रिया चक्रवर्ती पहले दिन से जांच के घेरे में है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं सुशांत के परिवार पर, खासकर उनकी बहनों पर। रिया लगातार ये कह रही है कि न सिर्फ सुशांत डिप्रेशन में थे बल्कि उसका इलाज भी करा रहे थे, वो अक्सर परेशान रहते थे। सुशांत के परिवार का कहना था कि उनको तो डिप्रेशन था ही नहीं, ना ही वो कुछ दवाइयां ले रहे थे। इसी बीच सुशांत का उनकी बहन के साथ एक व्हाट्सएप चैट सामने आया जो 8 जून का था। यहाँ पे हर एग्जाम के 4 चरण हो गए, 4 से 5 चरण। पहले आप प्री निकालिए, फिर मेन निकालिए, इंटरव्यू निकालिए, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निकालिए, फिर सुप्रीम कोर्ट निकालिए। 22 साल की उम्र में कोई लड़का या लड़की तैयारी शुरू करता है ग्रेजुएशन के बाद, और उसको 27 या 26 साल में जाके नौकरी मिलती है, तो उसका क्या फायदा है? मन की बात करो, जन की बात। कहीं शिक्षक भर्ती को लेकर नौजवान तड़प रहा है, तो कहीं पुलिस भर्ती को लेकर, कहीं यूपी में, कहीं बिहार में, कहीं सहायक भर्ती को लेकर, तो कहीं कोषागार भर्ती को लेकर, बंगाल से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक नौजवान परेशान। सुशांत के मौत मामले से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है, सुशांत के फ्लैट में क्या तांत्रिक? अब बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़ी हुई है। सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह पर काला जादू किया, ये आरोप। अंधविश्वास के जाल में सुशांत को किसने फंसाया? क्या है काले जादू का रहस्य? पूरे देश से लगभग 30 लाख बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया परीक्षाएं कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाएं। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और युवा देश होते हुए भी लगभग 1 हफ्ते से हमारी बातों को सरकार अनसुना कर रही है। पबजी के बैन होने के कुछ घंटे बाद भी बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने गेमर्स के लिए खुशखबरी दी है। अक्षय नया गेम FAUG लेकर आ रहे हैं। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन करके पड़ोसी देश पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। इन्हें लोगों के जनधन खाते खुले हैं, उनमें से कईयों के खाते में वो पैसे नहीं गए जिन पैसों को गरीब कल्याण योजना के तहत भेजने का दावा किया जाता है। कई कस्टमर्स हैं, खाता धारक है पीएमसी बैंक के करीबन 9 लाख, जो पिछले 11 महीने से उनका पैसा जो है वो बैंक में अटका हुआ है। आज की अगर बात करें, जो आरबीआई का दफ्तर है बांद्रा में, उसके बाहर
जो सीनियर सिटीजन हैं, बाकी लोग हैं, वो थाली पीट रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा, और उसी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। गाली देने वाले संजय राउत की बदतमीजी का कंगना रनौत ने आज वीडियो के जरिए करारा जवाब दिया। सवाल ये कि क्या कंगना रनौत के चैलेंज में फंस चुकी है शिवसेना? आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है क्या कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है। इसे 58% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। क्या कुछ आज दिन भर हुआ है ये देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कैसे बात बढ़ती गई, विवाद बढ़ती गई, और इन सब के बीच आज कंगना रनौत ने ये कह दिया है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। 14 अगस्त को एक 13 साल की बच्ची के साथ दो लोगों ने रेप कर हत्या कर दी। 25 अगस्त को एक 18 साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। 2 सितंबर को 3 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या हो गई। उसके लिए आपने CBI बिठाया या PMC डिपॉजिटर? एक मिनट, PMC डिपॉजिटर 62 लोग मर गए, इसके लिए कोई CBI इंक्वायरी नहीं? ये अहम बातें हैं कि आखिर जी सर, मैं बता रहा हूं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर देश भर में जबरदस्त चर्चा है, लेकिन इस कोरोना काल में देश भर में हजारों लोगों ने आत्महत्या की है। किसी की नौकरी चली गई, तो किसी के घर में पारिवारिक कलह हुई, तो धैर्य टूट गया, तो तमाम असुरक्षा है वो इस दौर में लोगों के जहन में पैदा हुई है। G20 जिन्हें शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, सबसे खराब प्रदर्शन भारत का है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार। अगर आप एशिया के देशों से तुलना करें तो इस महामारी के समय में भी कई देश एशिया के भारत से बेहतर कर रहे हैं। आपको वो हेडलाइन याद होगी, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की। क्या आपके जीवन में उस पैकेज से कोई असर पहुंच रहा है? नौकरी और काम दोनों के अवसर सिकुड़ गए हैं। हर दिन काम की तलाश में निकलने वाले लोगों के लिए हर दिन एक नया जुआ होता जा रहा है। कभी कभी तो 3-3 दिनों तक काम नहीं मिलता है। संतोष परिहार बोलते बोलते रुआ से हो गए। वो गुरुग्राम के एक बंगले में सिक्योरिटी गार्ड थे, लॉकडाउन में उनका काम छूट गया। अपने ही जैसे कई और लोगों की तरह वो अब भी काम की तलाश में हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। वो हर रोज गुरुग्राम के लेबर चौक में कई घंटे इंतजार करते हैं कि शायद कहीं कोई काम देने वाला मिल जाए। इंडिया का GDP रिकॉर्ड लो पे है, लेकिन इसका असर आम आदमी पे क्या होता है हमें ऐसी जगहों पे दिखाई देता है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सटेंसी लाओ, अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास, अरे ड्रगी कौन है। रनौत सीधे मुंबई जा रही हैं, आप देख सकते हैं सुरक्षा का पूरा कवच, उनकी बहन उनके साथ हैं। शांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, ये सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा। फ्लाइट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कंगना रनौत यहां पर बैठी हुई है। आज हमने वो सबूत तलाश लिया है जो बताएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के दिन 14 जून को, हत्या के दिन उनके घर में क्या क्या हो रहा था। क्या ये महाराष्ट्र सरकार का बदलापुर है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि कंगना ने उद्धव सरकार को ललकारते हुए कहा है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। आज का आर पार इसी पर, जो लोग कहते थे फांसीवाद क्या है, मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई में फांसीवाद का सीधा साधारण एग्जाम्पल देखने को मिला है। यह है फांसीवाद, यह है बोलने की आजादी के ऊपर पूरी तरह से चाबुक। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हारा वो मकान तोड़ देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे, और तो और तुम्हारे साथ वो कर देंगे कि फिर तुम हिम्मत ना जुटा पाओ किसी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की। सुशांत सिंह राजपूत का अगर इंसाफ मांगोगे तो तुम्हारा ऑफिस टूटा हुआ। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड
सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पेडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ,